प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से करने वाला बयान का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बयान पर निचली अदालत की ओर से जारी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले फरवरी माह में कोर्ट ने थरूर को समन जारी करते हुए उन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। दरअसल शशि थरूर ने 28 अक्टूबर 2018 को बेंगलुरु साहित्य महोत्सव के दौरान कहा था कि मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू के समान है, आप उसे अपने हाथ से हटा भी नहीं सकते और ना ही चप्पल से मार सकते हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव बब्बर ने थरूर के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। इस मुकदमे पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने थरूर को समन जारी कर पेश होने के आदेश दिए थे, जिसे थरूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले की पिछली सुनवाई ने याचिकाकर्ता की ओर से कहा था कि शशि थरूर ने यह बयान बदनीयत से दिया था, इसकी वजह न केवल हिंदू देवता को नीचा दिखाया गया बल्कि यह अपमानजनक भी था। An unnamed RSS source to the journalist Vinod Joseph of the Caravan, which I quote here, in which they express their frustration with their inability to curb Mr. Modi. And the man says, Mr. Modi, he says, is like a scorpion sitting on a shivling. You cannot remove him with your hand, and you cannot hit it with a chappal either. And if you think about it, that's a very, very profound understanding of the relationship. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.